हाय गाइस, दिस इज तुषार बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूँ पबजी मोबाइल लाइट के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स, तो आपको जो हेल्प करेगी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मैच जीतने में, और बहुत अमेजिंग ट्रिक्स से आपको ज़रूर से वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे आप कमेंट में बता देना कि आपको इस तरह की पबजी लाइट ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर से बताना। तो गाइस चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जो पहली ट्रिक है जो वो एक थ्री स्टोरी बिल्डिंग में लगेगी जिसमें थ्री फॉलोअर्स होते हैं। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। अगर आपके पीछे पूरी स्क्वाड पड़ी है और आप बचना चाहते हैं और उनको नॉक भी करना चाहते हैं तो सेकंड फ्लोर पर आइए और ये सामने जो आपको खिड़की दिख रही है इसमें जंप करके बैठ जाना है आपको। जैसे मैं ट्राई करता हूँ एक बार, तो देखिए मैं बैठ नहीं पाया, पर सेकंड ट्राई में देखिए बूम गाइस मैं बैठ चुका हूँ। और यहाँ से आप बाहर अगर स्क्वाड आ रही है अंदर तो वो भी दिखेगा, और अगर आप सीढ़ियों पे मतलब जैसे ही आते हैं तो आप उनको आराम से नॉक कर सकते हो यहाँ से बैठे बैठे। और अगर वो मतलब जैसे चढ़ते हैं बराबर तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि आप बैठे हैं यहाँ पे। देखिए इसको दिखा था कि नहीं, मतलब नीचे ने ऊपर साइड नहीं देख पाते हैं, इससे नॉक हो सकता है आराम से, आप पूरी स्क्वाड को नॉक कर सकते हैं। तो गाइस सेकेंड ट्रिक भी थ्री स्टोरी बिल्डिंग में ही है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर बंदा है और आपको सबसे ऊपर देखना है कि कैसे उसको नॉक करें, तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर पे जो बालकनी है इसमें जाना है। तो यहाँ पे बंदा आ गया, उसको जो तो बोट है तो उसको मैं नॉक कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर चढ़ना है बालकनी पे, और आपको ऊपर साइड पे देखिए ये जो पट्टा दिख रहा है इसके ऊपर जंप बटन दबाना है, तो इससे आप क्या इसके ऊपर चढ़ जाओगे। जैसे आप जंप बटन दबाओगे ऊपर साइड कैमरा करके आपको जंप बटन दबाना है, तो इससे आप ऊपर का भी पूरा नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ऊपर बंदा है कि नहीं। ऊपर देखिए जैसे इधर से आप बहुत सारे बंदों को नॉक भी कर सकते हैं, उनकी पोजीशन भी देख सकते हैं ऊपर से। और अगर आपको पता है कि सेकेंड फ्लोर पर और उसको नॉक करना है, उसको सरप्राइज अटैक देना है, तो आपको यहाँ पर कूद के यहाँ से देखिए आप यहाँ से उसको पूरा नॉक कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको ज़रूर से इसको ट्राई करना चाहिए। तो गाइस जो थर्ड ट्रिक है वो इस एक रेड कलर के घर में जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको लग रहा है कि बंदा ऊपर टीपीपी ले रहा है, तो आपको क्या करना है ऊपर जाना है, और यहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि रूम में है वो, तो आपको ऊपर जाना है, ऊपर ध्यान से देखना है। और यहाँ पर यदि रूम में है तो आपको सरप्राइज़ अटैक करना है, यहाँ पर खिड़की पर जाकर आपको कोने में दबा देना है, वॉल साइड पर आपको पूरा इसे करके आप यहाँ से उसको सरप्राइज़ अटैक दे सकते हैं। बूम गाइस, तो देखिए यहाँ पर आ गया और आप यहाँ से उसको सरप्राइज़ अटैक दे सकते हैं। तो आपको ज़रूर से ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, आप इससे पूरी स्क्वाड भी ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस फोर्थ ट्रिक है स्टेडियम के जो बास्केटबॉल ग्राउंड है, और बंदा आपको पता नहीं है कहाँ है, उसकी पोजीशन जानना है और उसको नॉक करना है, तो आपको ऊपर साइड पे आना है। तो यहाँ से ये खिड़की से तो पता नहीं चल रहा है उसकी पोजीशन, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आना है, और आप उसको बिना पता लगे ही आप उसको पूरा नॉक भी कर देंगे। आपको यहाँ पर चढ़ना है और यहाँ से आप धीरे धीरे जाइए, और आपको आगे करके यहाँ पर पीक जो बटन है उसको दबा देना है, राइट पिक दबाना है, और आपको यहाँ से देखिए यहाँ से पूरी पोजीशन आ रही है, आप यहाँ से बंदा भी देख सकते हो और उसको पूरा नॉक भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, आप इससे पूरी स्क्वाड भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो गाइस जो फिफ्थ ट्रिक है वो है स्विमिंग पूल बिल्डिंग में जो स्टेडियम के पास है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पीछे पूरी स्क्वाड पड़ गई और उनने आपकी पोजीशन भी जान ली है, तो आपको क्या करना है, जो ये खिड़की दिख रही है यहाँ से आपको जंप लगाना है, और जैसे ही मतलब जो स्क्वाड आएगी और आपको ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ से आप जंप मार के स्क्रीन टपरे पर आ जाओगे, और यहाँ पे आप क्राउच पे प्रॉन भी हो सकते हो, तो आपको बिल्कुल पोजीशन पता नहीं चलेगी, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंदा गया तो गया कहाँ। और जब वो जब स्टेडियम की बिल्डिंग में जाएंगे तो आप उन्हें ओपनली फायर करके नॉक कर सकते हो बड़े आराम से, इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप नॉक कर सकते हो। तो गाइस जो सिक्स्थ ट्रिक है वो भी स्विमिंग पूल बिल्डिंग में ही, अगर आपको स्क्वाड को पूरा नॉक करना है, सोलो वर्सेस स्क्वाड अगर आप कोई खेल रहे हो और आपको पूरा स्क्वाड को नॉक करना है, तो आप यहाँ पे कोने में बैठ सकते हो। कोने में बैठना बहुत आसान है, आप ये ऊपर आ जाइए सबसे ऊपर, और यहाँ पे जो ये रेलिंग दिख रही है आपको यहाँ पे कूदना है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट उस कोने में कूद जाना है, इस कोने ऐसे को दीवार साइड पे कोने में कूद जाइए, और आप यहाँ पे कोने में जाके बैठ जाइए। तो स्क्वाड को पूरा पता भी नहीं चलेगा, आप यहाँ से पूरी देखिए गेट और नीचे ऊपर सब जगह से आप देख सकते हो और उन्हें आराम से नॉक कर सकते हो। तो ये भी बहुत अमेजिंग ट्रिक है, आप इसे भी अपनाएं तो आप पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो गाइस अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर ऐसी और भी ट्रिक चाहिए तो जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए और भी ऐसी ट्रिक लाता रहूँगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।